मित्रों, काला जादू या तंत्र मंत्र का चलन कई सदियों से चलता आ रहा है। अक्सर इसके दुरुपयोग का परिणाम देखने या सुनने को मिलता है। अधिकतर जादू, तंत्र या टोटके का उपयोग अपने दुश्मन पर जीत पाने के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आपको कुछ ऐसी निशानियों के बारे में पता है जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि इस व्यक्ति पर जादू किया गया है या नहीं? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि तंत्र मंत्र का सहारा किसी को अपने वश में करने के लिए भी लिया जाता है। किसी पर काला जादू या टोने टोटके का प्रयोग किया गया है या नहीं, इसे कुछ संकेतों से मालूम किया जा सकता है। शकुन शास्त्र में इन संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पहला, अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है इंसान। बता दें कि जिस किसी मनुष्य के ऊपर टोने टोटके या काला जादू किया गया होगा, उस व्यक्ति का खुद पर काबू नहीं रह जाता, वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। दूसरा, अचानक बीमार पड़ना। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति बिना किसी वजह से अचानक बीमार रहने लगे और चिकित्सा का सहारा लेने पर पता चले कि कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी तबीयत सुधरने का नाम ही ना ले, तो समझिए उस व्यक्ति पर काले जादू का असर हो सकता है। तीसरा, घर की तुलसी सूखने लगे। अगर आपके घर पर लगी तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए या घर के आंगन में कोई मरा पक्षी आकर गिर जाए, तो यह संकेत नकारात्मक माना जाता है और तो और इसे काले जादू का असर भी कहा जाता है। चौथा, स्वभाव में परिवर्तन। व्यक्ति के स्वभाव में अचानक ही बदलाव होने लगे और हर काम में वो स्वयं को सही बताने लगे, तो समझ जाएं कि उस इंसान पर काला जादू करवाया गया है और उसी का असर हुआ है। पांचवा, सांसों की गति का तेज हो जाना। यदि किसी शिशु के ऊपर तंत्र का उपयोग किया गया है तो उसकी सांसों की गति तेज हो जाती है। आपने जीवन में भूत प्रेत वाधा से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा जिसके गले से सांस लेते वक्त डरावनी घरघराहट निकलने लगती है। यह भी एक प्रमुख संकेत माना जाता है। छठा, नाड़ी गति का तेज हो जाना। वैसे तो भगवान ने हमारे शरीर में कई तरह की खूबियां दी हैं। अगर शरीर पर किसी भी तरह यानी भूत प्रेत का हमला होता है तो शरीर उसका प्रतिरोध करता है, लेकिन यदि किसी पर जादू या तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर जब तक सक्षम होता है उसका सामना करता है। ऐसा कहा जाता है कि इन शक्तियों का असर काफी तेज होता है, यही कारण है कि इससे नाड़ी की गति तेज हो जाती है। सातवां, होने लगे ऐसा तो सतर्क हो जाएं। ये तो सभी को पता है कि रात में काली शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, यही कारण है कि तांत्रिक और अघोर क्रियाओं के लिए रात का समय सबसे उचित माना जाता है, तभी ये अपने लक्ष्यों पर हावी होने की कोशिश भी करती है। ऐसे हालात में जिस मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ है वह अगर सोया हुआ हो तो अचानक चिल्लाकर जग जाता है या उसे खतरनाक भयानक सपने आने लगते हैं। आठवां, आंखों के नीचे काले गड्ढे। यदि किसी व्यक्ति की आंखों के नीचे काला गड्ढा या उसकी आंखें सुर्ख लाल दिखें, तो समझ जाएं कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू या टोटका किया है। नौवां, काले कौओं का दिखना। कोई सामान्य मनुष्य कहीं जा रहा है और उसके ऊपर कौए का झुंड मंडराने लगे, वहीं अगर ये एक बार हो तो इसे इत्तेफाक समझिए, लेकिन ऐसा बार बार होता है तो समझ जाएं कि ये भी काले जादू का संकेत माना जाता है। दसवां, कुत्तों का भौंकना। ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते नकारात्मक शक्तियों को महसूस करने लगते हैं, कुछ भी गलत होने से पहले उन्हें ज्ञात हो जाता है और तो और वो भौंकना भी चालू कर देते हैं। ऐसे में आप बाहर निकलते हैं और कुत्ते आप पर हर दिन भौंकते हैं तो समझ जाएं कि आप पर काला साया है। चलिए बताते हैं कि कैसे पता करेंगे कि काले जादू का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। कहते हैं कि अगर किसी इंसान के ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया जाता है तो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक हानि होने लगती है, उसके विचार अचानक नकारात्मक होने लगते हैं या फिर हर वक्त वो कमजोरी महसूस करने लगता है। इसके अलावा अगर किसी पर तंत्र विद्या या काले जादू का प्रयोग हुआ है तो इसके लिए रात को सोते समय बिस्तर के नीचे एक गिलास में पानी भरकर रख दें। अगले दिन सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को किसी पौधे में डाल दें। ऐसा आपको 8 दिनों तक लगातार करना होगा। कहा जाता है कि यदि मनुष्य पर तांत्रिक प्रयोग हुआ होगा तो वह पौधा कुमला जाएगा या पौधा 2 से 3 दिन में ही सूख जाता है। कैसे हुई थी तंत्र विद्या की शुरुआत? आपके मन में यह भी सवाल उठे होंगे कि हिंदू धर्म में ऐसे तमाम मंत्र और पूजा पाठ के साधन उपस्थित हैं जिनसे आप मन चाहे फलों की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा कहा जाता है कि मंत्र में साधक प्रार्थना करता है कि ईश्वर उनकी इच्छा पूरी करे, लेकिन तंत्र साधना ऐसे की जाती है कि परमात्मा भी मजबूर होकर उनकी प्रार्थना मान ले। किस पर नहीं होता काला जादू? मित्रों, ऐसी मान्यता है कि यदि किसी पर जादू कर दिया जाए तो वो विफल नहीं होता, लेकिन शंकर जी, बजरंगबली, हनुमान जी और माता काली के भक्तों पर इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि उसे तो थोड़ी बहुत हानि होगी, परंतु काला जादू करने वाले को गंभीर परिणाम झेलना पड़ता है। तंत्र विद्या का गलत उपयोग मना। भगवान भोलेनाथ द्वारा रचित तंत्र शास्त्र में 80% भाग शुभ कर्मों के लिए और वहीं 20% में काली शक्तियों के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि स्वार्थी लोगों ने इसी हिस्से का उपयोग किया और धीरे धीरे इसका रूप बदला, भयभीत करने वाला काला जादू बन गया। हालांकि बुरी शक्तियां जितनी जल्दी से असर करती हैं, उतनी ही जल्दी उनका नाश भी होता है, इसलिए इस विद्या के गलत उपयोगों के लिए मना किया गया है। तो मित्रों, आपने जाना कि जिसके ऊपर जादू होगा उसको ये 10 निशानी जरूर दिखेंगी। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारी सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।